बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस फिर से हाजिर हूँ एक नया फिक्स द रश के एपिसोड लेकर। यस गाइस टाइम हो गया था काफी, इस सीरीज की कोई वीडियो नहीं आई थी, लाइव स्ट्रीम मैंने कुछ किए थे बट फाइनली एक वीडियो बनाने का टाइम आ चुका है। अब देख सकते हैं गाइस बेस काफी ज्यादा मैक्स हो रहा है धीरे धीरे एंड आज हम काफी कुछ करने वाले हैं। बहुत सारा रिसोर्स है हमारे पास, अब देख सकते हैं काफी सारा गोल्ड, काफी सारा एलिक्सिर एंड काफी सारा डार्क एलिक्सिर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करते हैं एंड और कुछ बिल्डिंग्स को अपग्रेड में लगाते हैं। अब देखिए बेसिकली बहुत सारा गोल्ड है ऑलरेडी मेरे पास, तो पहले मैं कुछ एक लगा ही देता हूँ। पांचों के पांचों बिल्डर्स खाली हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कुछ एक अपग्रेड पे लगा देना। सो पहले मेरे को सोचने दीजिए कौन सा चीज मेरे को अपग्रेड करना चाहिए। यस टेस्ला टावर जो कि काफी लो लेवल का है, यहाँ पे एक टेस्ला टावर अपग्रेड करने के लिए डाल दिया मैंने। एंड विद दैट सेट एक मोटार को अपग्रेड करने के लिए डाल देते हैं। अब तीन बिल्डर खाली हैं, चलिए फटाफट चलते हैं एंड देखते हैं कुछ अगर अच्छे लूट वगैरह मिल जाए तो काफी बढ़िया बात होगी। तो चलिए देखते हैं सर्च करके कि कैसा लूट मिल रहा है अभी फिलहाल। वैसे लीग मेरा काफी ऊपर जा चुका है क्योंकि अटैक्स मैं ज्यादा करता हूँ आजकल, तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जा रहा हूँ लीग में, मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। ओहो नाइस, यहाँ पे गाइज हमें एक टाउन हॉल 11 मिला है। मे भी एक टाउन हॉल 11 है, यस टाउन हॉल 11 है बट ये डेड टाउन हॉल 11 है। सो यहाँ पे काफी सारा लूट है एंड मे बी आराम से मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं यहाँ पे जुगाड़। तो चलिए अटैक करते हैं एंड कौन से साइड से अटैक करूं पहले इसमें कंफ्यूज हूँ। यहाँ से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विजिट टावर्स है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे मेरे जायंट्स सीसी जायंट्स विजिट से फनल क्रिएट करेंगे एंड विथ हीरोज। सो ठीक है, अब एक बेबी ड्रैगन है जो यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे जाइंट अच्छे से टैंक नहीं कर रहा, चलो कोई नहीं, नाइस। तो एक काम करते हैं गाइस, अब ये वाला पोर्शन तो अच्छे से टेक केयर हो ही जाएगा। अब मैं इस वाले पोर्शन से अपने माइनर्स को है जो वो स्पैम करता हूँ। बाबेरियन किंग ऑलमोस्ट मेरा मरने वाला था तो बट मैंने उसकी एबिलिटी यूज करके थोड़ी देर के लिए उसे बचा लिया है। अब माइनर्स बेस में एंट्री ले रहे हैं, क्वीन की एबिलिटी मैं पुश कर दूंगा और यहाँ पे दो विजिट टावर्स निकल जाएंगे मेरे ख्याल से। और दो विजिट टावर्स अगर एक बार निकल जाते हैं ना तो बेस में बहुत एक बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है, थ्री स्टार करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि माइनर्स के साथ सबसे बड़ा जो थ्रेड होता है वो विजिट टावर्स एंड बम टावर्स होते हैं। तो वो एक निकल जाते हैं उसके बाद अटैक जो है वो काफी इजी लगने लगता है। यहाँ पे बहुत सारा जो चीजें बहुत सारे डेंस हैं यहाँ पे, तो मैंने एक रेज यूज कर लिया क्योंकि मेरे पास एक रेज पड़ा हुआ था एंड अभी भी दो विजिट टावर्स हैं गाइस, तो इतना इजीली हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। एक हील यहाँ एंड एक हील मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपने माइनर्स को हील करने के लिए। और यहाँ पे एक टेस्ला फार्म है और एक बम टावर भी है, तो जो फाइनल मेरा हील है वो यहाँ पे मैं सेव करूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा का जो पूरा कंपार्टमेंट है यहाँ पे उसे हम लोग टेक केयर कर सके। माइनर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत सारा है तो इसमें कोई चिंता वाली बात तो मेरे को दिख नहीं रही है, बट फिर भी गाइस मैं यहाँ पे जरूर अपने कुछ माइनर्स को यहाँ पे चाहूंगा कि वो सरवाइव करें एंड इस वाले जो लास्ट कंपार्टमेंट में आए तो मैं हील को जो है वो डिप्लॉय कर दूंगा। मेरे ख्याल से हो जाएगा क्योंकि काफी माइनर्स आप दिख रहे होंगे गाइस, काफी कम से कम यहाँ पे 10 to 15 माइनर्स तो होंगे मेरे ख्याल से, उससे कम तो नहीं होंगे, मिनिमम 10 माइनर्स होंगे। तो यहाँ पे एक हील है हमारे पास और वी विल पुट द हील राइट नाउ बट थोड़ी देर बाद। यस अब मैं अपना हील स्पेल जो है वो डिप्लॉय कर दूंगा और यस तो काफ़ी सही जा रहा है गाइज। टेस्ला टावर्स बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे क्योंकि एक चार टेस्ला टावर्स हैं, वो भी लेवल 8 के टेस्ला टावर्स आई गेस। सो काफ़ी ज़्यादा डैमेज वो करेंगे मेरे माइनर्स को, बट मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बट ऐसा लग रहा है कि मे बी अटैक जो है वो 3 स्टार ना हो पाए क्योंकि ये बम टावर जो है ये भी काफ़ी डैमेज कर रहा है। तो मेरे को नहीं लग रहा है गाइज ये 3 स्टार हो पाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, जो लूट हमें अवेलेबल था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है और एक माइनर या फिर दो माइनर है यहाँ पे जो टाउन हॉल को ग्रैब कर रहे हैं। एक बार टाउन हॉल ग्रैब हो जाए उसके बाद ये जो छोटा सा चिल्लर पड़ा हुआ है अभी कुछ गोल्ड कुछ एलिक्सिर कुछ डार्क एलिक्सिर वो भी हमें मिल जाएगा और इस बेस का पूरा जूस हमने निकाल दिया है। तो काफी सही रहा गाइस, अटैक तो काफी सही था। यस 3 स्टार नहीं हो पाया क्योंकि यहां पे एक टेस्ला फार्म निकला था फाइनली जो जिसने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया, बट कोई बात नहीं गाइस, काफी अच्छा लूट यहां पे मिला था एंड काफी अच्छे ट्रॉफीज भी मिले, बट ट्रॉफीज को किसी की परवाह भाई, ट्रॉफी तो मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है ट्रॉफीज की। एक प्रॉब्लम हो गया शायद, मैंने अपना ट्रेनिंग पोशन जो है वो यूज़ नहीं करा था। यस ट्रेनिंग पोशन यूज़ नहीं करा था जो कि मैं अब कर लूँगा, बट जब तक कि मेरे सेकंड सेट ऑफ आर्मी ट्रेन ना हो जाए तब तक के लिए मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं फटाफट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ एंड जैसे मेरे आर्मी वगैरह सब कुछ रेडी होता है मैं वापस आता हूँ। 3 count 3 2 1 सो गाइज वेलकम बैक, और आ चुका हूँ फिर से, आर्मी रेडी हो चुकी है, सारी की सारी ट्रूप्स वगैरह सब कुछ रेडी है, हीरोज वगैरह सब कुछ रेडी है, सीसी भी मिल चुका है, हॉग राइडर्स मिले हैं तो काफी सही बात है। तो चलिए फटाफट फिर से सर्च करते हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा बेस मिलता है और हम कितना लूट अचीव कर सकते हैं। अब देखिए गाइज इस बेस में तो वैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रूप्स अपग्रेड हो चुके हैं। वो सो गाइज फिर से एक डेड बेस, तो काफी सारे डेड बेस मिल रहे हैं आजकल, तो काफी मजा आएगा हमें इसे लूट करने में।
तो चलिए स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम रखूंगा मैं, इस साइड से अपने जायंट्स को डिप्लॉय करूंगा, उसके बाद किंग क्वीन कुछ विजर्ड्स हैं मेरे पास और एक बेबी ड्रैगन है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे डालूंगा, और क्वीन को थोड़ा शांत रखने के लिए यहाँ पे मैं एक पॉइजन यूज करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है सीन में भी क्वीन डाउन हो जाए, क्वीन जितना जल्दी डाउन हो जाएगी उतना जल्दी मेरा अटैक जो है वो सक्सेसफुल होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वीन डाउन हो गई है, मेरा किंग भी डाउन हो गया है, बट कोई बात नहीं गाइस, हमने काफी अच्छा यहाँ पे फाइनल क्रिएट कर दिया है। ओहो क्वीन अभी तक डाउन नहीं हुई है, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सा हेल्थ बचा हुआ है क्वीन का, मे बी मेरी क्वीन की एक शॉट लगे तो एनिमी क्वीन डाउन हो जाएगी। सो एक शॉट लगा और मेरी क्वीन की भी बहुत सारी हेल्थ चली गई थी, बट फिर भी ठीक है, नॉट बैड। अब जो पूरा काम है वो माइनर्स और हॉग्स का है, तो मैं यहाँ पे अपने सारे माइनर्स को स्पैम कर दूंगा। ओके नॉट बैड, सारे के सारे माइनर्स को यहाँ पे स्पैम कर देते हैं, एंड उसी के साथ हॉग्स को मैं थोड़ा लेट डिप्लॉय करूंगा गाइस, थोड़ा सा लेट डिप्लॉय करूंगा हॉग्स को। पहले यहाँ पे जायंट बम ट्रिगर होने देते हैं, यहाँ पे जायंट बम नहीं, बम टावर का जो स्प्लैश डैमेज है वो होगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक हील, थोड़ा आगे की तरफ हील डिप्लॉय करूंगा ताकि ट्रूप्स जो है वो जब डैमेज लेके आगे बढ़ रहे हो तो उनको हील लेने का मौका मिले, क्योंकि अगर आप पहले हील डिप्लॉय कर दोगे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा उसे वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा। सो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ा आगे अपना स्किल जो है वो डिप्लॉय करना। यहाँ पे एक रेज डिप्लॉय करता हूँ क्योंकि बहुत सारे चीज़ हैं यहाँ पे, और दो दो स्प्लैश डैमेज भी हैं, तो यहाँ पे एक हील करना भी बनता है। ज़्यादा माइनस नहीं है क्या यहाँ पे? आहा बहुत गंदी बात हुई है। तो चलो कोई नहीं गाइस, बहुत सारे माइनर्स इस तरफ भटक गए थे, मैंने देखा ही नहीं। माइनर्स के साथ ये हमेशा प्रॉब्लम होता है कि अंडरग्राउंड जब रहते हैं माइनर्स तो समझ में नहीं आता कि कितने माइनर्स कौन से कंपार्टमेंट में हैं, और स्पेल्स जो है कभी कभी गलत पड़ जाते हैं। बट कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास अभी हॉग्स हैं, बहुत सारे माइनर्स भी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो लास्ट वाला हील है उसे अच्छे से सेव करूं, एंड क्रिटिकल सिचुएशन में उसे डिप्लॉय करके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लेने की कोशिश करूं। सो यहाँ पे डालना बिल्कुल सही रहेगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे हॉग्स हैं यहाँ पे, माइनर्स भी हैं और हॉग्स दोनों ही हैं, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और हमारा जो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टर लूट हैं, होप श्योर कि मेरे को ये कलेक्टर सारे मिल जाएं, क्योंकि अगर ये कलेक्टर्स मिल गए तो काफ़ी एक लूट का बड़ा पोर्शन जो है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। हॉक्स तो बहुत कोशिश कर रहे हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हॉक्स की क्वांटिटी बची नहीं है और कोई भी स्पेल लिटरली बचा नहीं है। यहाँ पे दो स्पेल्स मैंने बर्बाद किए लिटरली, क्योंकि एक रेज जो मैंने डाला था उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो चार माइनर्स गए थे, ज़्यादा माइनर्स गए नहीं थे, और उसके बाद जो मैंने हील डाला वो तो बिल्कुल ही गलत ड्रॉप हो गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू मिले ही नहीं हमें। बट कोई नहीं गाइस, ऐसा तो हो ही जाता है, बीच बीच में टैक्स तो कभी कभी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो लूट यहाँ पे गेन किया है वो उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा हो सकता था मे भी। सो ठीक है, डार्क एलिक्सिर अच्छा मिला है, एलिक्सिर भी ठीक है, गोल्ड थोड़ा कम मिला है, बट फिर भी विद बोनस मैं एवरेज मान लूंगा। तो चलिए गाइस, ये सेकंड अटैक था, और कुछ अटैक्स और करेंगे और देखते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा लूट हम गेन कर सकते हैं। सो फटाफट चलते हैं गाइस एक और अटैक में, मेरी आर्मी रेडी है, मैं सीसी रिक्वेस्ट कर लेता हूं, और सीसी में मेरे पास थोड़ा सा ट्रेजरी में लूट भी है तो वो भी हम कलेक्ट करके कुछ काम करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ और अटैक्स करना चाहूंगा, और फटाफट यहाँ पे मेरे को ट्रूप्स मिल जाना चाहिए। मैजिक आइटम्स में चेक करना चाहता हूँ क्या क्या है मेरे पास। एक ट्रेनिंग पोशन, दो रिसोर्स पोशन, एक पावर पोशन है, उसी के साथ दो बुक्स है, एक बिल्डिंग का और एक फाइटिंग का। तो यहाँ पे इस क्लैन गेम्स में हम लोग को और फाइटिंग मिलने वाला है, तो ये वाला जो फाइटिंग है वो मैं सोच रहा हूँ यूज़ करूँ। लैब में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ऑफकोर्स लैब में यूज़ कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि बेबी ड्रैगन को अपग्रेड करूँ, क्योंकि मैं अटैक भी करता हूँ बेबी ड्रैगन, यूज़ भी करता हूँ माइनर वगैरह जब मैं अटैक कर रहा होता हूँ, तो वर्थ इट है बेबी ड्रैगन को अपग्रेड करना। पहले उसके पहले देख लेते हैं अगर सीसी कोई दे देता है फटाफट, एक ही बंदा ऑनलाइन है, सो अगर जायंट्स मेरे को जल्दी मिल जाए तो बढ़िया है, वरना विदाउट मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि अटैक तो मेरे को करना ही है वैसे कैसे भी करके भी। सो कपल ऑफ मिनट्स वेट करते हैं एंड देखते हैं, अगर कोई दे देता है तो बढ़िया, वरना फिर देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मेरे पास अपना सेकेंडरी फोन है, वहां से मैं कुछ ले सकता हूँ, बट जायंट्स नहीं मिलेंगे मेरे को, देखते हैं क्या मिलता है। माइनर्स वगैरह अगर कुछ मिल जाए तो वही ले लूंगा, उसी से जुगाड़ कर लेंगे हम लोग। सो देखते हैं क्या है मेरे पास अवेलेबल। अच्छा चलो, मेरे पास बोलर्स भी हैं, माइनर्स भी है, सो क्या लेना वर्थ इट होगा? मेरे ख्याल से माइनर्स लेना वर्थ इट होगा। सो मैं काम करता हूँ गाइस, मैं माइनर्स ले लेता हूँ एंड उसी के साथ, अच्छा चलो माइनर्स ले लिए मैंने, नाइस 5 लेवल के माइनर्स हैं, क्योंकि मेरा टाउन हॉल 10 अकाउंट से मैंने माइनर्स को सेंड किया है, सो लेवल 5 के मिलेंगे। तो चलिए गाइस, हीरोज़ को रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये वाला अटैक विदाउट हीरो करेंगे, एंड लास्ट वाला जो अटैक, फाइनल वाला जो अटैक होगा वो हीरोज़ के साथ करेंगे, और बहुत मस्त वाला अटैक करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लूट तो मिल रहा है, बट पूरा आपका पूरा जो लूट है वो गेन करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे तो इनसेन लूट है गाइस, इनसेन लूट है। मैं इस पे ज़रूर अटैक करूंगा, क्योंकि अगर मैं फेल भी होता हूं तो भी जो मेरे को मिलेगा ना वो भी काफ़ी, मतलब काफ़ी होगा मेरे लिए। सो चलिए इस बेस पे अटैक करते हैं। इस साइड से कलेक्टर, इस दोनों साइड से कलेक्टर्स हैं, बट इस साइड से मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी शायद से। सो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जायंट्स एंड कुछ विजर्ड्स हैं मेरे पास, वो ड्रॉप कर दूंगा पीछे की तरफ, एंड एक बेबी ड्रैगन है जो कि माइन में जाने वाला है। चलो कोई नहीं,
सो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं अपने सारे के सारे जो माइनर से वो ड्रॉप कर दूंगा अब सेंटर में, एंड उसके साथ अपने सीसी के जो माइनर से वो भी ड्रॉप कर दूंगा। स्पेल्स थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि काफी लूट है यहाँ पे, तो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। बट मीनवाइल मेरे को ये भी ख्याल करना है कि मेरे माइनर्स मर ना जाए यहाँ पे। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छी बात नहीं हुई। यहाँ पे एक ईगल आर्टिलरी का स्प्लैश पड़ा और बहुत सारे माइनर्स यहाँ पे मर गए। बट चलो कोई नहीं, कोई भी हीरो अवेलेबल नहीं है। अगर वार्डन होता है तो वार्डन की एबिलिटी यूज़ करके आप कभी अपने थोड़े चीज़ें सेव कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ भी सेव कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरे को स्पेल्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर लेने पड़ेंगे क्योंकि वरना बाद में मेरे को स्पेल्स यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लूट तो मेरे को मिला है बट कितना मिला है अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। एंड आपको दिख रहा होगा गाइस कि बहुत सारे कलेक्टर्स हैं इस तरफ जिनमें काफ़ी लूट है जो कि मैं शायद पहुँच ही ना पाऊँगा यहाँ तक। बट चलो ठीक है गाइस, चलता ही है क्योंकि बेसिकली देखो ये एक टाउन हॉल 12 था जिसमें आर्टिलरी इन्फर्नो सब कुछ है और मेरे पास आप देख सकते हैं हीरोज वगैरह कुछ नहीं था। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम तो हो ही जाता है बट फिर भी आपको टैकल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लूट मिला काफी कम था, मेरे को बुरा भी लग रहा है बट क्या कर सकते हैं गाइस, ऐसा ही होता है। सो गाइस अब चलिए फाइनल अटैक में चलते हैं एंड इस बार कोशिश करूंगा कुछ अच्छा करने का क्योंकि इस बार हीरोज वगैरह सब कुछ मिलेगा मेरे को और टाउन हॉल 10 से 11 करना वैसे भी मुश्किल होता है। मैंने सोचा था एटलीस्ट मैं टू स्टार नहीं मतलब एटलीस्ट मैं आधा भी लूट अगर कर पाता तो भी बहुत होता क्योंकि 9 लाख के ऊपर एलिक्सिर था, मतलब बोनस को लेकर 10 लाख के आसपास एलिक्सिर था, वो काफी होता है। तो यहाँ पे थोड़े जिम्स यूज करने पड़ेंगे फाइनल अटैक के लिए, तो यहाँ पे चलिए थोड़े जिम्स यूज कर लेते हैं एंड उसी के साथ सीसी जो रिक्वेस्ट मैं कर नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ गाइस, पहले यहाँ पे जितना भी मेरे पास ट्रेजरी में लूट है वो मैं कलेक्ट करता हूँ एंड उससे कुछ चीजें अपग्रेड करते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, एक मोटर और अपग्रेड कर सकते हैं, तो एक मोटर और चलो ये वाला मोटर अपग्रेड में डाल देता हूँ मैं। एंड अब मेरे पास बहुत सारा एलिक्सिर है, एलिक्सिर किससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक बिल्डर को मैं और अपग्रेड में डाल दूंगा। मैं ये काम करता हूँ, एक बिल्डर को मैं अपग्रेड करने के लिए डाल देता हूँ जो कि है ये डार्क एलिक्सिर ड्रिल। अब मेरे पास एक फाइनल बिल्डर बचा हुआ है और मैं उसे क्या करने वाला हूँ ये मैंने सोच रखा है, बट फाइनल अटैक करने के बाद आप लोग गेस करना इन कमेंट्स में क्या करने वाला हूँ फाइनल बिल्डर के साथ। तो चलिए फिर से चलेंगे फाइनल अटैक में और देखेंगे इस वाले अटैक में कुछ अगर लूट वगैरह हमें मिल जाए, डिसेंट सा लूट मिल जाए तो काफी सही रहेगा। आज के अटैक्स में इतने खास लूट मैं अचीव तो हो सकता है कि ये फाइनल वाला अटैक मेरे लिए बहुत लकी साबित हो। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इस बार तो मैं मतलब इस बार भी मैं फुल पैक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सीसी नहीं है, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग। तो पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ से शुरू करते हैं। चलो तो यहाँ पे जायंट्स ड्रॉप कर दिए मैंने, उसके पीछे से विजर्ड्स ड्रॉप कर दूंगा एंड किंग एंड क्वीन उसके पीछे ड्रॉप करूंगा। चलो नाइस, एंड यहाँ पे बेबी ड्रैगन, एक सिंगल बेबी ड्रैगन है जो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सो एक इन्फर्नो डाउन है जो कि अच्छी बात है और सेकंड इन्फर्नो में कितना जूस बचा है ये भी मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि ज़्यादा जूस बचा ना हो सेकंड इन्फर्नो में, सो वो भी अच्छी बात हो जाएगी अगर ज़्यादा जूस नहीं बचा है तो। तो यहाँ पे मैं किंग की एबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा मेरे को क्योंकि आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा डैमेज सोक कर रहे हैं मेरे ट्रूप्स, बहुत ज़्यादा डैमेज भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज। क्वीन की एबिलिटी मैंने क्लच कर ली है क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा था ऐसा कि बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहे थे मेरे माइनर्स वगैरह, तो क्वीन की एबिलिटी क्लच करके मैं जल्दी से जल्दी डिफेंस को टेक डाउन कर लूँगा। और चलो हील्स तो बहुत सही पड़े हैं, बहुत सही सही जगह में हील्स मैंने ड्रॉप करे हैं और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा एक रेज, इकलौता एक रेज जो है मेरे पास और इसी के साथ अरे ना यहाँ पे हील, चलो नाइस। और माइनस तो बहुत कम क्वांटिटी में बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस अभी तक डेड हो चुके हैं, बट फिर भी देखते हैं कि ये एक मिनियन कहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए मेरे को। ओहो आर्चर टावर के रेंज में आ गया ये मिनियन। चलो गाइस तो यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ मैं अपना लास्ट एंड फाइनल हील स्पेल और ये वाले टैग में भी मेरे को खासा लग नहीं रहा है कि मतलब बहुत कुछ होने वाला है, बट फिर भी लूट जो मिलेगा मेरे को इतना खराब नहीं मिलेगा। अरे आज का पूरा जो एपिसोड है ऐसा ही गया कि अटैक्स जो है वो फुल 100% हो नहीं पाए और क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन में यही हो रहा था, कभी सीसी है तो कभी क्वीन हीरोज नहीं है, कभी हीरोज है तो कभी सीसी नहीं है, तो ऐसा एक सीसो वाला सिचुएशन चलता रहा, कभी अप कभी डाउन कभी डिप। तो काफी मजा आया, इंटरेस्टिंग भी आया, ऐसे एपिसोड्स भी बनने चाहिए जहाँ आप लोग रश करते हो फटाफट अटैक करने के लिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता और कभी कभी विदाउट हीरोज चले जाते हो, ये करते हो वो करते हो, ऐसे एपिसोड में भी काफी मजा आता है। तो ये था गाइस आज का फाइनल अटैक जिसमें लूट जो मेरे को मिला कोई बुरा नहीं था। हाँ मेरे को पता है कि और भी ज्यादा मिल सकता था बट जो मिला कोई बुरा नहीं है। तो चलिए गाइस अब फाइनल जो बिल्डर है वो मैं उसे काम पे लगाता हूं और पता नहीं आपने ठीक गेस किया होगा या नहीं किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन सा चीज अपग्रेड करने वाला हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लैब में डाल दूंगा अपना बेबी ड्रैगन, यहां पे डाल दिया मैंने बेबी ड्रैगन को और उसी के साथ मैं अब अपग्रेड करने के लिए जो डालने वाला हूं वो है, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बार्बेरियन किंग। यस 80,000 डार्क एलिक्सिर लगने वाला यहां पे एंड बार्बेरियन किंग को मैं बूस्ट में डाल दूंगा, सॉरी
अब मैं अपग्रेड में डाल दूंगा, बूश में था वो। तो सारे के सारे तो बिल्डर्स मैंने गाइज लिटरली काम पे लगा दिए हैं, और जो मेरे रिसोर्सेस है वो भी काफी कम हो गए, मेरे को काफी फार्म करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और चलिए गाइज, तो बस इस एपिसोड में इतना ही था, होप श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइज, क्योंकि कैश ऑफ क्लैंस के रेगुलर कंटेंट्स मिलते हैं आपको इस चैनल में। एंड विद दैट सेड गाइज, अच्छे रहना, एंड एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद।